कहते हैं प्रतिभा किसी पर्चे की मोहताज नहीं होती है और न ही किसी संसाधन की मोहताज होती है। हमारे परिषदीय विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे गांव से तो जरूर आते हैं लेकिन उनमें प्रतिभा की कोई कमी नहीं रहती। आइए हम दो ऐसे बच्चों से मिलवाते हैं जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं और कुछ अलग क्रिएटिव करना चाहते हैं। आइए हम अमित और प्रिंस से मिलवाते हैं। कक्षा 5 के दो ऐसे छात्र जिनकी विज्ञान में बहुत ही अच्छी रुचि है, कुछ अलग किया इन्होंने। प्रिंस आपने क्या किया जरा बताएंगे आप? पंखा बनाया। आप देख सकते हैं कि प्रिंस ने पंखे का निर्माण किया है। इसमें लकड़ी को और ये देख रहे हैं आप बड़ी सी बैटरी जो है इसमें बैटरी फिट है, ऊपर से कवर किया गया है, मोबाइल की बैटरी को यूज किया गया है और इसमें पंखे का सदुपयोग किया गया है। अब आपको दिखाएंगे चलाकर। प्रिंस देख रहे हैं इसमें बटन भी फिट किया गया है इनके द्वारा, ऊपर से कवर कर दिया गया है। बंद करिए इसको जरा दो। लकड़ी में मोटर फिट करके आगे आप देख सकते हैं कुछ वेस्ट मटेरियल्स इन्होंने इकट्ठा किया है और इसमें लगाया है। प्रिंस कुशवाहा आप फिर से इसको चलाइए। प्रिंस जो हमारे विद्यालय में नया एडमिशन लिए हैं इनके द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है। अब दूसरे ऐसे बच्चे से मिलवा रहे हैं अमित। अमित आपने क्या बनाया है? मोटर और बत्ती। मोटर और बत्ती यानी पंखा भी चलेगा और बत्ती भी चलेगी। अमित आप करके दिखाइए जरा। तू आप देख सकते हैं कि कुछ वेस्ट मटेरियल से कुछ ऐसे साउंड से इन्होंने लिया है, इसमें लगाकर पंखे के ऊपर लगाया है, जो कनेक्ट करते हैं तार को तो पंखा भी चलता है और बिजली भी जलती है। तो कुछ हमारे विद्यालय में ऐसे नन्हे वैज्ञानिक हैं जो कुछ अलग क्रिएटिव करना चाहते हैं, कुछ अलग क्रिएटिव कर भी रहे हैं। हमारी आपको ऐसे ही शुभकामनाएँ हैं। अपना भी नाम रोशन करिए और विद्यालय का भी नाम रोशन करिए।